हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जितेंद्र और आज फिर से मैं आपके लिए एचपी जीके के 20 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो में मैंने चंबा डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, संपूर्ण पंजाब हिमालय व हिमाचल हिमालय का इकलौता रियासती राज्य कौन है जो मुस्लिम व गोरखा आक्रमणों व हिंसा से वंचित रहा? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, चंबा। हमारा अगला प्रश्न है, भरमौर में मणि महेश के मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मेरु वर्मन। अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने अपनी राजधानी को ब्रह्मपुर से स्थानांतरित कर आज के चंबा नगर में स्थापित किया? तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, साहिल वर्मन। साहिल वर्मन ने अपनी राजधानी को ब्रह्मपुर से स्थानांतरित करके चंबा नगर में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, सुई मेला प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये सुई मेला जो है प्रदेश चंबा चंबा जिले में लगता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, चंबा। अगला प्रश्न है, चकली कहाँ की प्राचीन मुद्रा थी? तो ये चंबा की प्राचीन मुद्रा थी। ये चकली जो है तांबे की एक मुद्रा थी जो चंबा में इस्तेमाल होती थी। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, चंबा। अगला प्रश्न है, चंबा में तारागढ़ दुर्ग किसने बनाया था? तो यहां पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जगत सिंह ने। ये जो है नूरपुर का राजा था। अगला प्रश्न है, नूरपुर के राजा जगत सिंह ने चंबा पर कब आक्रमण किया था? तो यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1623 ईस्वी में। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंबा का कौन सा राजा 9 बार मुगल दरबार गया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी सिंह। जो इसकी जो स्वामी भक्ति से प्रसन्न आकर मुगल सम्राट ने इसे 16,000 रुपये आय की जागीर जो है जसवा दून में दी थी। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चंबा का वह कौन सा राजा था जिसे एक नाई की बेटी से प्रेम हो गया था और उसने उस नाई को मंत्री नियुक्त कर दिया था? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उदय सिंह। इसके इस काम की वजह से जो है इसके अधिकारी इससे जो है रुष्ट हो गए थे। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उदय सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने चंबा के राजा चतर सिंह को चंबा के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो ये जो मुगल सम्राट था ये था औरंगजेब। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, औरंगजेब। पर चतर सिंह ने जो है उन मंदिरों को नहीं तोड़ा था, बल्कि उसने उल्टा उन मंदिरों में कलश चढ़वा दिए थे। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चंबा किस राजा के शासनकाल में पहली बार मुगलों के अधीन हुआ था? तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रताप सिंह। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रताप सिंह वर्मन जिसके शासन काल में चंबा पहली बार मुगलों के अधीन हुआ था वह किस मुगल सम्राट का समकालीन था? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अकबर। हमारा अगला प्रश्न है, चंबा के किस राजा ने भरमौर में लक्षणा देवी गणेश और नरसिंह के मंदिर बनवाए हैं? तो ये जो राजा था वो था मेरु वर्मन। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मेरु वर्मन। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुर का पहला राजा कौन था जिसने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ वर्मन का उपनाम जोड़ा? तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, आदित्य वर्मन। अगला प्रश्न है, चंबा के शासक अपने आप को किसके वंशज मानते हैं?
तो जो चंबा के शासक है वो अपने आप को अयोध्या से अयोध्या के श्री रामचंद्र जी के वंशज मानते हैं। तो यहाँ हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन, राम। अगला प्रश्न है, चंबा की किस पर्वत श्रृंखला को अंग्रेजी शासनकाल में तिरस्कृत महिला के रूप में जाना जाता था? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री, पीर पंजाल। यहाँ पर जो सरकारी अधिकारी जाते थे, क्योंकि ये इलाका इतना दुर्गम था कि जो सरकारी अधिकारी यहाँ पर जाते थे इन्हें जो है मृत्यु भत्ता इनके जीवन काल में ही दिया जाता था, तो इसी वजह से जो है इस श्रृंखला को तिरस्कृत महिला के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंबा का मिंजर मेला चंबा के राजा की किसके ऊपर जीत की याद में मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन, कांगड़ा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंबा के किस राजा के शासनकाल में दो प्रसिद्ध विदेशी विनय और भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर एलेक्जेंडर कनिंगम चंबा आए थे? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू, चड़त सिंह। अगला प्रश्न है, चंबा का सुई मेला चंबा के किस राजा की रानी के बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर, साहिल वर्मन। चंबा का नगर जब बसाया जा रहा था तो उस समय वहाँ पर पानी की बहुत कमी थी। पानी के इस कष्ट को दूर करने के लिए राजा ने नगर में जो है एक कुल का निर्माण किया। कुल का निर्माण तो कर दिया लेकिन इस कुल में पानी नहीं आया। बहुत प्रयत्न किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन जो है राजा को स्वप्न आता है और उस स्वप्न में कोई उससे ये कहता है कि जब तक उस कुल के मूल स्रोत यानी कि जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ पर जब तक रानी या राजा के किसी पुत्र को जिंदा दफनाया नहीं जाए तब तक जो है कुल में पानी नहीं चढ़ेगा। ये बात जो है राजा अपनी रानी से कहता है और रानी प्रजा के हित के लिए इस बात को स्वीकार कर लेती है। राजा और राजा के अधिकारियों ने बहुत प्रयत्न किया कि रानी के बदले में किसी और की बलि दी जाए, परंतु रानी नहीं मानी और वो अपनी दासियों के साथ सती होने चली जाती है। जब उसने गड्ढे में प्रवेश किया और उस पर मिट्टी डाली गई तो पानी कुल में चढ़ने लगा। तभी से इस कुल में पानी बराबर बहता है, परंतु अब जो है इसी स्रोत से नलों द्वारा नगर में पानी आता है। एक ताम्र पत्र के अनुसार जो है इस रानी का नाम नैना देवी लिखा मिलता है। रानी के इस बलिदान की स्मृति में राजा साहिल वर्मन ने नगर से ऊपर कुल के किनारे पर एक समाधि बनाई। यहाँ पर उसकी याद में जो है हर वर्ष 15 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में ये सुई मेला आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर, साहिल वर्मन। हमारा अंतिम प्रश्न है, चंबा रियासत को कब हिमाचल प्रदेश राज्य का एक जिला बनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन, 15 अप्रैल 1948 को। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।